एक तरफ 26 जनवरी के पर्व पर गणतंत्र दिवस की खुशियां बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही थी, वहीं दिग्रज शहर बीएसएनएल के दूरभाष केंद्र को ताला चढ़ा हुआ था। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जब संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया, तब पता चला कि 26 जनवरी के दिन ताला सिर्फ बीएसएनएल कार्यालय को ही नहीं बल्कि अधिकारियों की जुबान पर भी लग चुका था। आखिर इसकी क्या वजह थी, इसका कोई पुख्ता कारण बीएसएनएल दिग्रज कार्यालय की ओर से फिलहाल जारी नहीं हुआ है। अपने विज्ञापनों में कनेक्टिंग इंडिया इस टैगलाइन से देश और देश की जनता से लगाव का दम भरने वाली बीएसएनएल कंपनी के दिग्रज शहर दूरभाष केंद्र ने मानो राष्ट्रीय त्योहारों से खुद को ही डिस्कनेक्ट कर लिया है। 26 जनवरी को यहां दूर दूर तक गणतंत्र दिन की कोई तैयारी नजर नहीं आई। जहां दिग्रज शहर में हर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में रंगत और रौनक बनी हुई थी, वहीं शहर का बीएसएनएल कार्यालय वीरान पड़ा हुआ था। आखिर क्यों गणतंत्र दिन जैसे राष्ट्रीय त्योहारों को नज़रअंदाज किया गया, क्यों कोई अधिकारी और कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँच सका, इसका जवाब किसी के पास नहीं। मालूम हो कि बीएसएनएल अपने विज्ञापनों में हिंदुस्तान बोल रहा है इस सिग्नेचर ट्यून की रट जरूर लगाता है, लेकिन दिग्रज शहर दूरभाष केंद्र को 26 जनवरी के दिन बंद रखने के सवाल पर कोई अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा। ये बीएसएनएल कार्यालय के संबंधित अधिकारियों का दुस्साहस है या लापरवाही, ये समझ से परे है। देखना होगा कि बीएसएनएल जिला कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता दर्शाते हैं और इस मामले में संबंधित अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। बीसीएन न्यूज़ के लिए दिग्रज से जुबैर खान की रिपोर्ट।